सुभाष श्रवण, इसकी भी थोड़ी बात सुने। अब कई स्टूडेंट्स को इससे थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि मेहनत क्या होती है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे तो नंबर बहुत कम है, 10वीं 12वीं 50% ही है, 55% ही है, हमारा क्या काम चल जाएगा क्या। उन स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए, सुभाष का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही डिस्टर्ब है, 10वीं में 33% ध्यान रखे, 12वीं में 34%, BA में सप्लीमेंट्री, यानी कि इसने एकेडमिक रिकॉर्ड तो बिल्कुल जीरो, लेकिन इस विद्यार्थी ने 3 साल कड़ी तपस्या की और 3 साल के बाद 1 में नहीं 2 में पूरे राजस्थान में पंजाबी विषय में 33वीं रैंक आई और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सामाजिक विज्ञान SST में भी चयनित हुआ। और बेटा ये मेहनत का परिणाम है। देखो सगे तो नौकरी लाग्यो और सगे लाग्योड़ी बीनणी मिल गई, भाभी लाग्योड़ी है जिकी मिली भाभी सेकंड ग्रेड मैथ में, ये है मेहनत का परिणाम। आप भी मेहनत करिए। ये सब बातें मैं आपको मोटिवेट करूँगा, भी बताऊँगा, रणनीति भी बताऊँगा, तरीका भी बताऊँगा। मेरे से लाइव जुड़े रहना, छोड़ के मत चले जाना। आज की पूरा टाइम थे मैंने दो, मैं तेरे बढ़िया तरीका सिस्टम बढ़ा के दूंगा और अपने सफल हो जाएंगे। तो श्रवण को बधाई दो आप सभी, मेरी तरफ से भी बधाई। भी जो स्टूडेंट पढ़ने में इतना दिल, एकेडमिक रिकॉर्ड इतना डिस्टर्ब जिसका, और उसकी मेहनत कितनी रंग लाई है, इसने 3 साल तक बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और खूब किताबों में रहा, और उसी का परिणाम है कि इंडियन एकेडमी से 1 नहीं 2 सिलेक्शन लेके गया है। तो सुभाष उर्फ श्रवण कुमार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।